नमस्कार साथियों, तलाक के 12 साल बाद पति पत्नी ने एक दूसरे को देखा तो कुछ ऐसा हुआ जो कि बेहद चौंकाने वाला था। ये बिल्कुल सच्ची घटना है जो कि उत्तर प्रदेश के रामपुर से सामने आई है। बीते शनिवार को एक मियां बीवी दोबारा शादी के बंधन में बंध गए, उन्होंने दोबारा निकाह कर लिया। दरअसल उन लोगों का तलाक हो गया था साल 2012 में। साल 2012 में जब उनका तलाक हो गया, तलाक के बाद में उन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि 12 साल के बाद दोनों ने फिर से निकाह कर लिया और उनकी मुलाकात कहां पर हुई, कैसे हुई, पूरी घटना आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, आपको भी काफी खुशी होगी। ऐसा मामला है ये, तो आपको बता दें रामपुर में एक थाना पड़ता है अजीम नगर। अजीम नगर थाने में एक गाँव है इमरता। इमरता गाँव निवासी अफसर अली की शादी साल 2004 में हुई थी। साल 2004 में उनकी शादी हुई थी रामपुर में। जब शादी हो गई, शादी के 8 साल हो गए, इस बीच उनके 3 लड़की और 1 लड़का भी हो गया। 8 साल बाद 3 लड़की और 1 लड़का, इतनी संतानें होने के बाद में उनके बीच में कुछ विवाद हो गया। विवाद हुआ, विवाद इतना बढ़ा कि उन लोगों के बीच में तलाक हो गया। तलाक हुआ, पंचायत हुई, पंचायत में तलाक दे दिया गया एक दूसरे को। उन्होंने अलग रहना स्वीकार कर लिया, भाई कि हम नहीं रहेंगे साथ में, हमारी निभ नहीं रही है। 2 बेटी और 1 बेटा उस अफसर अली के साथ में रहने लगे। 1 बेटी को वो पत्नी जो थी, जो बीवी थी, वो ले जा करके अपने मायके में रखने लगी। इतना ज्यादा विवाद उनके बीच में हुआ था कि फिर उन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की शादी के 12 सालों तक। शादी के 12 साल बाद रामपुर में एक शादी का कार्यक्रम हुआ जिसमें अफसर अली गया हुआ था। अफसर अली वही था जिसकी शादी रामपुर में हुई थी। तो रामपुर में जब वो शादी के कार्यक्रम में गया तो वहां पर उसको शादी में उसकी पत्नी दिख गई। दोनों का जब आमना सामना हुआ, दोनों एक दूसरे को काफी देर निहारते रहे। आप समझ लीजिए उन्होंने 12 साल तक एक दूसरे से बात नहीं की। 12 साल बाद जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो काफी देर तक एक दूसरे को निहारते रहे। थोड़ी देर बाद रोने लगे, दोनों के आंखों से आंसू बहने लगे। अब जब आंसू बहने लगे तो वहां क्योंकि लोग मिलने वाले होंगे, उनको भी जानते होंगे, उनको भी जानते होंगे, लोगों की भीड़ लग गई, बातें होने लगी। कुछ लोग भले आदमी थे, उन्होंने एक एक कुर्सी उनको दे दी कि बैठ जाओ आराम से। दोनों निहाल थे, रो रहे थे, अब बैठ गए पास पास में, एक दूसरे के आंसू पोंछने लगे। आंसू पोंछते पोंछते काफी देर हो गई, काफी देर हो गई, आसपास लोगों की भीड़ भी लग गई। शादी पार्टी थी तो काफी लोग बराती और जनाती आए हुए थे, भीड़ लग गई, सब लोग उनको देख रहे थे, लेकिन उन लोगों को ऐसा कुछ ध्यान ही नहीं था दुनिया का कि कौन है क्या है। वो 12 साल बाद मिले थे, चूंकि 8 साल उन्होंने एक साथ बिताए थे पति पत्नी के रूप में। अंत में जब काफी देर हो गई रोते रोते तो दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया। नंबर लिया, घर जाकर के बात होने लगी। मिलने के 8 दिन तक दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करते रहे। बातें क्या करते थे, वो उनकी कमियां गिनाते थे, वो उनकी कमियां गिना रहे थे कि तुमने ऐसा किया इस वजह से तलाक हुआ। जो पत्नी थी वो कहती थी तुमने ऐसा किया तो इसलिए तलाक हो गया। दोनों एक दूसरे के सामने गिला शिकवा करते रहे 8 दिन तक। 8 दिन के बाद दोनों ने फैसला किया कि अब साथ में रहेंगे। बीते शनिवार को दोबारा उनका निकाह करा दिया गया और दोनों फिर से 12 साल के बाद एक साथ हो गए। तो इस कहानी को रामपुर में जो भी सुन रहा है काफी तारीफ कर रहे हैं, रिश्तेदार पड़ोसी सब खुश हैं, गांव में खुशी का माहौल है। अजीम नगर थाना क्षेत्र इमरता गांव की यह घटना है, काफी खुश हैं लोग। एक रिश्ते का सुखद जो है, एक जहां पर वो रिश्ता टूटा हुआ था तो उसका इस तरह से उस विवाद का सुखद अंत हुआ। छोटी छोटी बातों पर लोग अलग हो जाते हैं, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ऐसी कहानियों को सुनना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। शादी के 12 साल गंवा दिए, 12 साल बाद फिर से एक हुए और एक दूसरे के साथ ही रह करके उनको शांति भी मिली। इस सच्ची घटना के बारे में आपकी कोई राय हो, आपको कुछ कमेंट करना हो, आपको कुछ कहना हो तो एक कमेंट जरूर करें।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।